वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपको स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, ये आपके लिए आज वोकैबुलरीज लेके आया हूँ। और आज वोकैबुलरीज है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की। तो हमने कहा क्यों ना कुछ पेपर न्यूज़ मतलब थोड़ा चेंज किया जाए और देखा जाए। तो पहले आप देख लीजिए जो कल, चूँकि पेपर लेट से आया था इसलिए हम वो वोकैबुलरी नहीं तैयार कर पाए थे, तो एडिटोरियल ही आया था कल। तो जो सैटरडे का मीनिंग था, मतलब हमने जो इडियम्स दिए थे उनके आप मीनिंग देख लीजिए। तो पहला था बियर द पाम। बियर द पाम का मीन्स होता है टू बी प्री मिनेंट, टू विन रिवॉर्ड। मीन्स करें, एक तो मीनिंग होता है इसका प्रसिद्ध हो जाना, और एक होता है कोई अवार्ड जीतना या फिर कोई चीज़ जीत लेना, एक तरह से आप ये कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बियर द पाम जो पूछा गया है, टू बी प्री मिनेंट प्रसिद्ध होने के सेंस में पूछा गया है। इसका एक सेंस जो होता है किसी चीज़ को जीत लेना, रिवॉर्ड जीतना, इनाम जीतना, इस सेंस में भी होता है। तो आप दोनों ही तैयार रखेंगे। और पूछा इसमें गया है प्रसिद्ध हो जाना, इस सेंस में भी पूछा गया है इस सेंस में। और दूसरा था ये करी फेवर विथ। करी फेवर विथ होता है मीन्स कजोल या गोक्स, चापलूसी करना होता है, किसी का दूसरे का विश्वास पाना और उसके मनगढ़ उसी के मन के अनुसार कार्य करना, वो होता है। और ये जो दो वर्ड्स हैं ये भी वर्ड मतलब एंटोनिम्स सिनोनिम्स में पूछे गए हैं, मैंने इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन वर्ड्स में लिख दिया कि आप डायरेक्ट वर्ड्स याद रखिए कि आपसे इसको इससे जो है याद करने से आपको तीन फायदे होंगे। एक तो ये इडियम याद हो गया, और दूसरा क्या है कि ये दो वर्ड जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में पूछे गए कजोल और कोक्स, ये दोनों याद हो जाएंगे। दोनों का मतलब चापलूसी करना होता है। नेक्स्ट है टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। किसी चीज़ पर ब्लाइंड आई मतलब डालना, मतलब कहने का नज़रअंदाज कर देना, ये होता है। टू इग्नोर समथिंग, ये भी पूछा गया है। तो और जो अभी आपको इडियम्स दिए गए हैं उनके आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करने, आपको नेक्स्ट डे उनका आंसर मिल जाएगा जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। हम डेली कोशिश करेंगे कि आपको डेली एक वीडियो दें। तो आइए देखते हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, और आज डे है मंडे अप्रैल 9, 2018। जर्नलिज्म ऑफ कवरेज, आइए देखते हैं कैसे वर्ड्स हैं इस न्यूज़पेपर के। अपने वर्ड्स तो वही रहते हैं, इंग्लिश वही है। तो पहला है मतलब टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स होता है खारिज करना, रिजेक्ट करना। इसे आप एग्जांपल में देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ टर्न डाउन एन एम्बिशियस प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टर्न डाउन, खारिज कर दिया एक महत्वाकांक्षी योजना को ऑफ द इंडियन रेलवे। योजना किसकी थी? इंडियन रेलवे, भारतीय मध्य रेलवे की थी। टू इंट्रोड्यूस, और योजना क्या थी? टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सिग्नलिंग सिस्टम, कि नया संकेत सिस्टम, नई संकेत प्रणाली का मतलब को लाया जाए, बेस्ड ऑन यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2, जो कि यूरोपीय रेल प्रणाली के जो लेवल स्तर 2 है, लेवल 2 है, उस पर आधारित हो इन इट्स एंटायर नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क में। मीन्स योजना थी कि जो यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है वो उसका लेवल 2 जो है इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस किया जाए, वहाँ पर लागू किया जाए पूरे के पूरे नेटवर्क में। तो उस सिग्नल सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, खारिज कर दिया है। और एम्बिशियस का मीन्स ये भी पूछा गया है आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स में। एम्बिशियस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हों, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं हों आपको कि ये प्लान अगर सक्सेसफुल हो गया तो इतने सारे रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास, तो उसे एम्बिशियस कहते हैं। एम्बिशियस प्लान हो गया, एम्बिशियस जर्नी हो गई, ऐसी जर्नी की जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें उम्मीद हो कि ये चीज़ हमें जानने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें एम्बिशियस, ये दोनों वर्ड आए हैं, टर्न डाउन भी हो गया, एम्बिशियस भी हो गया। बाकी आप बेस के बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसे, क्योंकि ये भी फिर उसमें क्लोज टेस्ट में भरने को आ चुका है एक दो बार। पेंट समबडी समथिंग एज समथिंग, अब पेंट मतलब पेंट करना नहीं होता, देखिए यहाँ पे क्या होता है, टू गिव अ पर्टिकुलर इंप्रेशन ऑफ समबडी, किसी दूसरे का भाव किसी और दूसरी तरह व्यक्त करना। मींस कहने का आप एग्जांपल में समझेंगे, इसका एक सिनोनिम पोर्ट्रे भी होता है, चित्रित करना या दिखाना। एग्जांपल में आप देखिए, जैसे व्हाइल एन इरेस्पॉन्सिबल अपोजिशन वाज ट्राइंग टू पेंट द बीजेपी एज एंटी दलित, मींस कहने का जब इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदारी पूर्ण कौन अपोजिशन विरोधी पार्टी वाज ट्राइंग, प्रयास कर रही थी टू पेंट द बीजेपी एज एंटी दलित, बीजेपी को दलित विरोधी दिखाने की। पेंट द बीजेपी एज एंटी दलित मीन्स बीजेपी को दलित विरोधी दिखाने का प्रयास कर रही है। द मोदी गवर्नमेंट वाज कमिटेड, तो मोदी गवर्नमेंट उस समय क्या कर रही थी, वाज कमिटेड टू इंश्योरिंग, वह वचनबद्ध थी टू इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करने में दैट SC ST एट्रोसिटीज, जो SC ST अराजकता संबंधी एक्ट आया है 1989 में समथिंग आया था,
इज नॉट डायल्यूटेड कि उसके प्रभाव को कम ना किया जाए. डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, सेड उन्होंने कहा है एट द एक्सप्रेस अड्डा हेयर ऑन सैटरडे. उन्होंने एक्सप्रेस अड्डा इंडियन एक्सप्रेस को ऐसी बात बताई है सैटरडे को. और अब यहाँ पे आप देखिए, पेंट समबड़ी एज समथिंग, किसी को किसी रूप में दिखाना, तो ये आप पेंट का मतलब समझ गए ना, पेंट समबड़ी एज समथिंग कैसे होता है. कमिटेड टू इंश्योरिंग, यहाँ ग्रामेटिकल पॉइंट है, कमिट के बाद अगर टू भी पोजिशन से कोई वर्ब जुड़ती है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है. जनरली क्या होता है, इन्फिनेटिव जुड़ता है, लेकिन कमिट के बाद टू प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म मीन्स जीरंड जुड़ता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे. डाइल्यूट होता है टू मेक द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग लेस, मीन्स कहने का किसी के प्रभाव को कम कर देना, तो डाइल्यूट होता है. तो एसिड वगैरह केमिकल रिएक्शंस वगैरह में डाइल्यूट का बहुत यूज होता है, आप किसी केमिकल को डाइल्यूट करते हो उस सेंस में, लेकिन डाइल्यूट का मतलब किसी प्रभाव को भी कम कर देना, वही होता है. तो अभी ऑन सैटरडे, तो प्रीपोजिशन ऑन आप प्लीज ध्यान रखेंगे. आइए नेक्स्ट देखते हैं. बी हेडेड फॉर समथिंग, बी हेडेड फॉर समथिंग, अबाउट टू एक्सपीरियंस समथिंग, लाइकली टू गेट, लाइकली टू एक्सपीरियंस समथिंग, किसी चीज़ का आप अनुभव करने वाले की और पढ़ने वाले हैं. जैसे ये एग्जाम में पूछा गया हेडेड फॉर डेंजर, एग्जाम्पल आया था टू फ्रेंड्स वेयर हेडेड फॉर डेंजर, तो हेडेड फॉर ट्रैवल, तो हेडेड के बाद प्रीपोजिशन फॉर भरवा लिया. और अभी हाल ही के 2016 का जो 10+2 का एग्जाम आया था उसमें भी हेडेड के बाद प्रीपोजिशन फॉर भरवाया था. तो दो बार तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है और रिपीट हो, तो प्लीज़ इसे ध्यान दीजिए. एग्जाम्पल देखेंगे जो ऑफिशियल डाटा शोज, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो दिखाते हैं. द कंट्री कुड आल्सो बी हेडेड फॉर, कि देश जा सकता है फॉर अ क्रिटिकल शॉर्टेज, एक बहुत महत्व बहुत भारी कमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन एंड कार्डियोलॉजिस्ट. मींस कहने का कि हो सकता आंकड़े ये दिखाते हैं कि देश हाल ही में, मतलब हो सकता है कि अब ए क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी भारी कमी को क्या महसूस कर सकता है आने वाले समय में, ऐसी संभावना है. तो ये आपका हेडेड फॉर मतलब टू किसी चीज़ के लिए संभावित, टू बी लाइकली टू एक्सपीरियंस समथिंग, टू बी लाइकली टू मतलब संभावना होना, एक्सपीरियंस समथिंग किसी चीज़ के अनुभव करने की, तो ये होता है. रैम्पेंट मीन्स क्या होता है, रैम्पेंट मतलब होता है टू डेवलप और स्प्रेड समथिंग, मतलब कहने का कि फैल जाना एक तरफ से, तो एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर, हर जगह विद्यमान होना या फिर फैल जाना. अगर है पहले से तो वो और व्यापक रूप से हो जाएगी, और अगर नहीं है तो वो फैल जाएगी वहाँ पे बिल्कुल एक तरफ से. तो एग्जांपल देखेंगे, जैसे व्हेन करप्शन वाज रैम्पेंट, जब भ्रष्टाचार फैला हुआ था, वी डिड नॉट लॉस ट्रस्ट, हमने विश्वास नहीं खोया. ये मोदी गवर्नमेंट का कहना है, ये स्टेटमेंट उन्हीं से आया है. नेक्स्ट वर्ड है आर्डुअस, ये भी एग्जाम में आया गया है, प्लीज़ ध्यान रखिए. आर्डुअस भी आया था एग्जाम में और हेडेड फॉर ये भी आया था, है ना. आपको देख लेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एक एक दो दो बार नहीं, कब तीन तीन चार चार बार आए हैं कम से कम, ठीक है ना. तो आर्डुअस तो कई बार पूछा गया है, और स्ट्रेनुअस तो वो भी उतनी ही बार, मतलब आप समझ सकते हैं. आर्डुअस मतलब भी कठिन होता है, और ये स्ट्रेनुअस मतलब भी कठिन होता है. कठिन का मीन्स डिफिकल्ट के सेंस में नहीं होगा, कठिन का मीन्स इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एफर्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है भाई. ऑब्वियसली कि जिसको आपको करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा हो वो काम कठिन तो हो ही जाता है. तो कठिन इन द सेंस इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट इन द सेंस ऑफ डिफिकल्ट, है ना. तो वो चीज़ है आपका. एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, द वर्क वाज आर्डुअस, जो कार्य था उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी. मीन्स कहने का कि कार्य तो हो ही जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, एफर्ट जो था हमारा वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा था. आइए नेक्स्ट देखते हैं. ऑप्ट फॉर समथिंग, इसमें प्रीपोजिशन फॉर भरने को आया था, तो आप इसे भी देखेंगे. ऑप्ट फॉर जब समथिंग का मतलब होता है चूज करना, चुनना. जैसे एग्जांपल में देखेंगे, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी प्रेफर, वरीयता देते हैं टू ऑप्ट फॉर अ डीएनबी, एक डीएनबी सब्जेक्ट को चूज करने में. डीएनबी है क्या, इट इज नो डाउट, ये निसंदेह वेरी स्ट्रेनस ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा प्रयास से भरा हुआ क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है. डीएनबी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मेडिकल साइंस में, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि स्ट्रेनोस यहाँ पर आया, तो मतलब नीडिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है इसे करने के लिए, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है. नो डाउट निसंदेह, नो डाउट मीन्स निसंदेह, तो आपको ये ध्यान देना है. नो डाउट मीन्स निसंदेह. मैं और प्रेफर टू, प्रेफर के बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है. प्रेफर समथिंग टू समथिंग, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं चाय पसंद करता हूँ कॉफ़ी के पीछे, इसी हिसाब से तो वहाँ टू प्रीपोजिशन होता है. प्रेफर के बाद देन नहीं आता, ये कंपेरेटिव का सेंस देता है, लेकिन प्रेफर के बाद देन नहीं आता, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना. ऑप्ट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भरने को आ चुका है क्लोज टेस्ट में. स्पॉन मीन्स होता है फैलाना या विकसित करना, टू कास्ट समथिंग टू डेवलप, किसी के विकसित होने का कारण बनना, इस सेंस में. द फैकल्टी शॉर्टेज इन फैक्ट हैज स्पॉन्ड अ विशियस साइकिल,
जो फैकल्टी की शॉर्टेज थी, फैकल्टी की कमी थी, लोग मेंबर्स की कमी थी, इनफैक्ट वास्तव में हेलस्पॉन डेविस ने साइकिल एक कुचक्र फैला दिया। मींस कहने का आप जैसे फैकल्टी में मेंबर्स की कमी है, तो अगर मेडिकल साइंस में ही बात कर लें तो अगर वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है तो क्या उतना अच्छा इलाज नहीं हो पाएगा। तो उसने एक कुचक्र फैला दिया, मतलब जो सिस्टम था पूरा बेकार हो गया। विशियस साइकिल कुचक्र, ये पैसेज में आया था। अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता तो आपको समझिए कि आपको मीनिंग पैसेज का निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो विशियस साइकिल आप समझ लीजिए कुचक्र, कोई कार्य जो कि बहुत बुरे तरीके से हो रहा हो। नेक्स्ट वर्ड है ट्वीक समथिंग। ट्वीक समथिंग होता है टू मेक स्लाइटली चेंजेस, थोड़े बदलाव करना, कुछ बदलाव करना, कुछ परिवर्तन करना। एग्जांपल आप देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इज इन प्रोसेस, वो प्रक्रिया में है ऑफ ट्वीकिंग, थोड़े से बदलाव की द एग्जाम फॉर्मेट, परीक्षा के रूपरेखा, परीक्षा की रूपरेखा के थोड़े से बदलाव करने की प्रक्रिया में है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय। किस लिए? टू इंश्योर। देखिए जब भी आप आपको ऑब्जेक्टिव जोड़ना हो किसी काम के लिए, वह खाने के लिए पढ़ता है ना, वो केवल खाना खाने के लिए, वो या पढ़ने के लिए वो जीता है ना, वो केवल। तो जब आप किसी कार्य के लिए, किसी पर्पज के लिए कोई काम करते हैं तो उसके लिए दो फॉर्मेट होते हैं, या तो आप टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनिटिव से जोड़ दीजिए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, या फिर फॉर प्लस आईएनजी फॉर्म से, फॉर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म से जोड़ दीजिए। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं किसी भी देश को आप अगर सेंटेंस में जोड़ना चाहते हैं, इनबिल्ट करना चाहते हैं। जैसे किस लिए? ये सुनिश्चित करने के लिए। तो आप चाहे टू इंश्योर कर दीजिए, चाहे फॉर इंश्योरिंग कर दीजिए, दोनों ही करेक्ट है, उसके बाद तीसरा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इन्हीं दोनों चीजों से ऑब्जेक्ट जोड़ना है। आप देखेंगे, चेक करिए, जहां भी ऑब्जेक्ट जुड़ता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हो गया, या फिर फॉर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बस ये वर्ब फॉर के साथ आएगा तो आईएनजी फॉर्म लेगा, टू के साथ आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। जब वर्ब जोड़ रहे हैं टू या फॉर के साथ, तब चलिए बता रहे हैं ना। और टू इंश्योर सच ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज डू नॉट रिमेन, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने थोड़ा सा एग्जाम की रूपरेखा में परिवर्तन किया है। किस लिए? टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए। सच हैव ह्यूज नंबर, ह्यूज मतलब विशाल या बड़ी मात्रा में, नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब सीटों का, वैकेंसी जो खाली रिक्तियां हैं उनको भरने के लिए। डू नॉट रिमेन मतलब वो खाली न रहे, मीन्स कहने का कि इतनी बड़ी मात्रा में रिक्तियां खाली न रहे, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा प्रणाली में थोड़ा सा, परीक्षा की जो फॉर्मेट है, रूपरेखा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और फिर से नई वोकैबुलरी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल के दिन फिर आपके लिए नई वोकैबुलरी रहेगी, नया कॉम्बिनेशन रहेगा, नए फ्रेजेस रहेंगे जो हम शुरू में तीन देते हैं, है ना। तो उनकी आप रिप्लाई कीजिए और आज के रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि आप चेक कर पाए कल जो उसका आंसर आपको मिलेगा, उससे आप जज कर पाएंगे आपको प्रीवियस ईयर कितना आता है। हम देते केवल उतने ही जो प्रीवियस ईयर के हैं ना, और मैं तो खुद ही जज कर रहा हूँ कौन सा क्या कैसे, तो उसमें आपको बेफिक्र रहना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।